ये जो अस्पताल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये फर्जी अस्पताल है। इतना ही नहीं, यहाँ जो डॉक्टर बैठे हैं वो भी फर्जी हैं। अब आप खुद ही समझ जाइए कि अगर आपने इस अस्पताल में अपना इलाज करवाया तो क्या हर्ष होगा। अगर आप इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल में जाते हैं तो सावधान हो जाइए, यहाँ इलाज के नाम पर आपको मौत मिल सकती है। दरअसल गुरुग्राम में ऐसे एक अस्पताल का सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया, जो मरीजों के इलाज के नाम पर खिलवाड़ कर उनकी जान जोखिम में डाल रहे थे। टीम ने अस्पताल को सील करते हुए आरोपियों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही बिलासपुर थाना पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि भोड़ा कला एरिया में फर्जी तरीके से एक अस्पताल चलाया जा रहा है। वहीं सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र के विकास अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। इस दौरान मौके पर मिले एक व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताया। यहां खुद को डॉक्टर बताने वाले व्यक्ति ने BAMS मेडिसिन के दस्तावेज दिखाए। वहीं जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल में ब्लड जांच के लिए सैंपल लेने के लिए कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है। इसके अलावा यहां एक्सरे मशीन भी लगी है, जिसके लिए ना तो अनुमति ली गई और ना ही मशीन चलाने के लिए किसी रेडियोग्राफर को नियुक्त किया गया है। अस्पताल से भारी मात्रा में दवाएं भी कब्जे मिली गई हैं। फिलहाल टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं प्रारंभिक जांच के दौरान अस्पताल में मौजूद दवाएं, ब्लड सैंपल समेत अन्य सामान कब्जे में लिया गया है। इतना ही नहीं, टीम को मौके से डेंगू टेस्ट किट भी बरामद हुई है। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले इन आरोपियों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।